हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियां होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, जिसको क्या मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। तो इस वाली वीडियो में बच्चों हम फोकस करेंगे केवल और केवल आय विधि पर, व्यय विधि और उत्पादन विधि हम आने वाली वीडियो में बता देंगे। तो बच्चों वो वीडियो जो है वो तो हमारी प्राइवेट वीडियो के रूप में उपलब्ध रहेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी तमाम तरीके के कोर्सेज हम बना रहे हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। तो बच्चों आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। तो बच्चों आय विधि क्या होती है? आय विधि में हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो केवल और केवल आय को कंसिडर करते हैं, यानी कि जितनी भी साधन आय है उसको जोड़कर हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय, यानी कि सभी की सभी साधन आय, यानी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में जितनी भी अर्जित आय है, जितनी भी अर्जित आय है, याद रखिएगा अर्जित आय का मतलब कमाई से हुई आय है, साधन आय होनी चाहिए, जितनी भी अर्जित आय है उसको जोड़कर अगर हम जोड़ते हैं तो उससे जो हमें ज्ञात होगा उसको हम बोलते हैं बच्चों राष्ट्रीय आय, यानी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में जितनी भी आय अर्जित की जाती है, चाहे वो देश के अंदर अर्जित की गई हो चाहे देश से बाहर अर्जित की गई हो, उन सबको जोड़ दें तो उससे जो हमारी आंसर निकलेगा वो कहलाएगा राष्ट्रीय आय। तो बच्चों किस तरीके से राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं उसके भी कुछ चरण हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चरण तो यह है कि उत्पादक उद्यमों की पहचान और उसका वर्गीकरण। देखिए उत्पादन करने वाले कई उद्यम होते हैं, हमें सबसे पहले उनको वर्गीकृत करना पड़ता है, उनकी पहचान करनी पड़ती है। तो जितने भी उद्यम हैं जो भी आय अर्जित कर रहे हैं उनको दो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित क्रियाएं जहां होती हैं, द्वितीय क्षेत्र जहां औद्योगिक क्रियाएं होती हैं, और तीसरा या तृतीय क्षेत्र जहां सेवा से संबंधित क्रियाएं होती हैं। तो इन तीन क्षेत्रों में सबसे पहले जितने भी उद्यम हैं उनको बांट दिया जाता है। उसके बाद हर अलग अलग क्षेत्र की हमें साधन आय को वर्गीकृत करना पड़ता है। देखिए साधन आय तीन प्रकार की होती हैं, पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा होता है स्वनियोजित मिश्रित आय, और तीसरी होती है प्रचालन अधिशेष। इन तीनों के बारे में बच्चों मैं आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए कर्मचारियों को काम करता है कोई कर्मचारी, मान लीजिए कोई कर्मचारी काम करता है उसके बदले जो उसको पैसा मिलता है वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। मान लीजिए मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में बच्चे पढ़ाने की वजह से कॉलेज के द्वारा मुझे जो सैलरी दी गई है वो कहलाती है बच्चों कर्मचारियों का पारिश्रमिक। लेकिन केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सैलरी नहीं आती है बल्कि और भी कई फायदे होते हैं जो मालिक अपने कर्मचारियों को देता है, उन सभी को जोड़ देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो भी चीज़ मालिक कर्मचारी को दे रहा है, नियोक्ता कर्मचारी को दे रहा है, वो कैश ही हो, वो हो सकता है काइंड हो। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज की तरफ से एक बस आती है जो मुझे घर से पिक करती है और घर से ड्रॉप करती है, तो एक तरीके का मतलब अगर मैं मान लीजिए किसी कार से जाता, ओला उबर से जाता, तो डेफिनेटली इसका खर्चा मुझे करना पड़ता, तो वो खर्चा मुझे बच गया। इसी तरीके से मान लीजिए कॉलेज की कैंटीन में खाना फ्री मिलता है टीचर्स के लिए, तो वो पैसा बच गया। तो केवल और केवल कैश को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे बल्कि काइंड में शामिल करेंगे, यानी कि एक तो इसमें शामिल होगा नगद मजदूरी एवं वेतन, जो आपको कैश मिलता है, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, मजदूरी हो गई, ये सब इसमें आएगा। इसके अलावा किस्म के रूप में आए, यानी कि ये आय वो होती है जो काइंड के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए कोई नियोक्ता बच्चों को, मतलब जो एम्प्लॉई है उसके बच्चों को फ्री में क्लास दिलवाता है, फ्री में स्कूल में पढ़वाता है, खुद का स्कूल उन्होंने बना लिया है, तो एक तरीके की ये भी एक किस्म के रूप में आए। तो ये किस्म के रूप में आए बहुत ही बड़े लेवल पर होती हैं, बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। इसी तरीके से बच्चों सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, अगर मालिक अपने कर्मचारियों को किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी दे रहा है और उसमें मालिक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या है, एक तो कैश हो गया यानी कि जो कैश दिया गया,
दूसरा सामाजिक सुरक्षा, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस करा दिया, कोई बीमा करा दिया, इसमें जो पैसा देता है मालिक वो भी कहलाता है बच्चों सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान। और अगर कोई मजदूरी को किस्म के रूप में दी गई है, कोई कोई मजदूरी बोनस मतलब काइंड के रूप में दी गई है, वो भी इसका हिस्सा है। पर बच्चों याद रखिएगा नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दी जानी चाहिए। अगर नियोक्ता नहीं है उसको अगर मान लीजिए फ्री बांटा जा रहा है तो वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं कहलाएगा। खाना भंडारे में भी मिलता है लेकिन उसको हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं कहते, क्योंकि वो तो सभी के लिए ओपन है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक में वही इनकम आएगी जो केवल एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से कर्मचारी को ही दी जा रही है। तो बच्चों ये है हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा, मैं इसको ABC बोल देता हूँ। एक तो आता है नगद मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान और किस्म के रूप में आए। दूसरा बच्चों पॉइंट है स्वनियोजित मिश्रता है। उससे पहले हम एक बार प्रचालन अंशेष को समा लेते हैं, समझा लेते हैं। तो बच्चों प्रचालन अंशेष क्या होता है? प्रचालन अंशेष में किसी भी संपत्ति से आए और उद्यम वृत्ति से आय को शामिल किया जाता है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में हमसे कहें तो मान लीजिए मैंने अपना मकान किराए पे लिया हुआ है, इससे जो मुझे इनकम हो रही है वो मेरी प्रचालन शेष है। कोई पैसा पूंजी उधार दी हुई है उससे मेरी इनकम जो हो रही है मेरी संपत्ति और उससे जो आय है। यानी कि काम नहीं कर रहा, मेरी संपत्ति काम कर रही है। अब ये मेरी वीडियो है, वीडियो के बदले भी मुझे जो इनकम होती है वो रॉयल्टी कहलाएगी। हालांकि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन एक बार जब वीडियो कोर्स बन जाएगा उसके बाद ये जब कोर्स चलता बिकता रहेगा तो वीडियो को कुछ इनकम का हिस्सा मुझे मिलता रहेगा, तो ये रॉयल्टी है। यानी कि संपत्ति से आए हैं, किराया हो, ब्याज हो, रॉयल्टी हो, ये सारी की सारी संपत्ति से आय होती है। और उद्यमी का काम होता है उद्यमी वृत्ति होता है, यानी कि वो मार्केट में जाके रिस्क लेता है जिसके बदले उद्यमी को लाभ मिलता है। तो जो संपत्ति से आय होती है और उद्यम वृत्ति से आय होती है उसका जोड़ कहलाता है प्रचालन अधिशेष। अब संपत्ति से आय में तीन तरीके की इनकम शामिल हमने बताई है, किराया यानी कि भूमि को मिलने वाली इनकम, ब्याज यानी कि पूंजी को इनकम मिलने वाली इनकम, और रॉयल्टी यानी कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो बौद्धिक आपकी संपत्ति है उसके आधार पर आपको कोई इनकम मिलती है तो उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये संपत्ति से आय कहलाएगी। और लाभ जो है वो उद्यम वृत्ति से आय है। लाभ के तीन अंश होते हैं बच्चों, तीन अंग होते हैं। पहला लाभांश, लाभांश वो होता है जो कंपनी द्वारा अपने जो शेयर होल्डर हैं, जो आप कह सकते हो जो हिस्सेदार हैं, उनमें इनकम का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लाभांश। निगम कर वो इनकम का हिस्सा है, वो लाभ का हिस्सा है जो कर के स्वरूप सरकार को दे दिया जाता है। और अवतरित लाभ वो हिस्सा है बच्चों जो कंपनी अपने पास सुरक्षित रिजर्व फंड में रख लेती है ताकि भविष्य में अगर कभी उसको हानि हो तो उस सरप्लस से उसकी भरपाई कर सके। तो इस तरीके से बच्चों प्रचालन अंशेष जो है वो संपत्ति से आय और उद्यम वृत्ति से आय का जोड़ होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों होता है स्वनियोजित मिश्रता है। ये वो व्यक्तियों की आय है जो अपने ही मालिक खुद हैं और अपने ही नौकर हैं। जैसे मान लीजिए इन व्यक्तियों की संपत्ति भी इन्हीं की है, रिस्क भी इन्हीं का और काम भी यही कर रहे हैं। डॉक्टर की आय, वकील की आय और मर्ची की आय, सब्जी बेचने वाले की आय, ये तमाम इनकम जो हैं ये कहलाती हैं स्वनियोजित मिश्रित आय। स्वनियोजित मिश्रित आय का क्या मतलब है कि अपना ही रोजगार में इनकम हो रही है, अपने ही रोजगार से आय। और मिश्रित आय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य से आय, संपत्ति से आय और उद्यम वृत्ति से आय, तीनों के ही गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित आय कहते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक होता है हमारा COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा होता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम का मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, थोड़ा नीचे हो जाएगा, हाँ यहाँ लिख देते हैं COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स इनकम मिश्रित आय और ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों घरेलू आय। क्या बोलते हैं इसको? घरेलू आय, यानी कि देश की सीमा के अंदर कमाई गई आय, घरेलू आय। ठीक है बच्चों, इन तीनों को जोड़ देते हैं घरेलू आय कहलाती है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदेशों में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम घरेलू आय में जमा कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो बच्चों यही शुद्ध आय बन जाएगी राष्ट्रीय आय।
यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर वन चरण सबसे पहले उद्यमों की पहचान करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे, फिर अलग अलग उद्यमों में जो साधना है उन सभी साधना आय को जोड़ लेंगे और जो साधना है वो कहलाएगी हमारी घरेलू आय, और जब घरेलू आय में अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ लेते हो तो वो कहलाएगी राष्ट्रीय आय। यानी कि आय विधि में हम सबसे पहले जितने भी क्षेत्र हैं उनके द्वारा जो आय अर्जित की गई है उनको जोड़कर हम घरेलू आय निकालते हैं, और जब घरेलू आय निकल जाती है तो विदेशों से शुद्ध आय जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये तरीका है हमारा आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका हमने आपको समझाया। बच्चों अब आपके स्क्रीन के सामने एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि मजदूरी और वेतन में किस किस को शामिल किया गया है। तो इसके अंदर शामिल किया गया है मूल वेतन को, महंगाई भत्ता, बोनस, अतिरिक्त समय का भत्ता यानी कि ओवर टाइम, बिक्री स्टाफ को कमीशन, चिकित्सा भत्ता यानी कि कैश में जो मिलता है, अवकाश यात्रा भत्ता, ठीक है, यानी कि आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या मिला है। किस्म के रूप में आय में क्या क्या शामिल है बच्चों एक बार ये भी देख लो। इसमें शामिल है निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य। बच्चों वास्तव में ये निःशुल्क नहीं है क्योंकि कर्मचारी जो को उसका मालिक दे रहा है उसके काम के बदले। वर्दी, निःशुल्क बिजली व पानी, ऋण पर ब्याज की छूट, कर्मचारियों के बच्चों को शिशु सदन यानी कि शिशु सदन मतलब डे केयर, मनोरंजन सुविधाएं, नियोक्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कर्मचारियों को निःशुल्क देना, जैसे रेल कर्मचारी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को रेल में ट्रेवल करने का पूरा मौका देता है। इसके अलावा बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि सामाजिक सुरक्षा में मालिक कौन कौन से योगदान देता है, जिसमें भविष्य निधि में अंशदान भी है, बीमा किस्त पे अदायगी और पेंशन, ये सारे के सारे सामाजिक सुरक्षा में मालिकों को अंशदान कहलाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में बच्चों मैं इतना ही करा रहा हूँ, आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।